सब सुबह के 7 बजने वाले हैं और मैं तैयार बैठा हूँ अपने कॉलेज जाने के लिए। कॉलेज जाने के बाद मेरा कॉलेज आज 1:30 तक है। उसके बाद मैं सोच रहा हूँ कि आज मैं फिल्म देखने जाऊँ। तो दोस्तों, मैं घर से बाहर निकल चुका हूँ। अब मैं बस स्टैंड जा रहा हूँ अपनी बस का इंतज़ार करने। वो अभी शायद 10 मिनट में निकलेगी यहाँ से। तो मैंने अपना बैग पैक कर लिया है, कॉलेज के लिए तैयार हो चुका हूँ। तो चलो बस स्टैंड चलते हैं। आप देख सकते हैं हम बस स्टैंड पहुंच चुके हैं। तो हमारी बस सिर्फ 7 मिनट लेट है वो आने वाली। तो आज का टेम्परेचर भी साथ में -2 है। और मैं आपको बता देना चाहता हूं, जो आज हम फिल्म देखने जा रहे हैं उसका नाम तू झूठी मैं मकार है। मैंने इसका ट्रेलर लगभग 4 दिन पहले देखा था और मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इसमें रोमांस, कॉमेडी और ड्रामा भी बहुत है। वैसे तो ये जो फिल्म है वो कल रिलीज़ हुई थी 8 को, पर आपको मालूम है शिफ्टों और कामकार में मैं सोता रह गया और इस करके मैंने कल मिस कर दी। तो आज 9 तारीख है, तो मैं जाऊंगा सिनेप्लेक्स। यहाँ के फर्स्ट टाइम है यहाँ पर कनाडा में मेरा कि मैं कोई मूवी देखने जा रहा हूँ। तो आपको मैं एक्सपीरियंस बताऊँगा जो भी मैं करूँगा यहाँ पर। तो चलो तो आप देख सकते हो कि मेरी बस आ चुकी है। बस मैं अपना ये प्रेस्टो यूज करूंगा। तो हम उतर चुके हैं बस से। मेरा कॉलेज बस 10 मिनट की दूरी पे है, तो मैं यहाँ पहुंच चुका हूँ। अब मेरे को लग चुकी है भूख, क्योंकि मैं सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया ना पिया। तो मैं जा रहा हूँ टिम हॉर्टन्स। चलो आपको मैं टिम हॉर्टन्स लेके जाता हूँ। वहाँ पर हम अपनी फेवरेट फ्रेंच वनीला लेके कॉलेज की तरफ चलते हैं। टिम हॉर्टन्स पहुँच चुके हैं। अब अंदर जाके मैंने बस फ्रेंच वनीला लेनी है और जल्दी जल्दी भागना है कॉलेज की तरफ, क्योंकि कॉलेज का टाइम होने वाला है। दोस्तों, मेरा कॉलेज हो चुका है ख़त्म। अब बच चुके हैं 1:30 और मैं सिनेप्लेक्स की तरफ जा रहा हूँ। बस तो बड़ा बोरिंग सा लगा कॉलेज में, क्योंकि आपको पता है लेक्चर्स लगाना कितना बोरिंग होता है, बैठे रहो कितने घंटे तक। तो चलो कोई बात नहीं, अब हम करेंगे मुझे सिनेप्लेक्स में पहले हम टिकट खरीदेंगे। उसके बाद टिकट खरीदने के बाद मुझे भूख लगी है, मैं कुछ खाऊँगा, शायद बर्गर या फिर पॉपकॉर्न से ही काम चलेगा अपना। चलो चलते हैं। दोस्तों, आप देख सकते हो कि सिनेमा सामने है मेरे, सिर्फ 100 मीटर दूर। चलो चलते हैं। तो दोस्तों, हमने टिकट ले ली है, तो अपनी सीट नंबर 10 है, ऑडिटोरियम 10। तो मैंने पॉपकॉर्न ले लिए, इससे शायद मेरा पेट भरे। और ये मिला मेरे को $9 का, मतलब चाहे इंडिया हो या चाहे कैनेडा, सब कुछ महंगा ही होता है सिनेप्लेक्स में। तो सिनेमा के अंदर है और मेरे अलावा यहाँ पर कोई भी नहीं है बंदा। और मेरी मूवी की टाइमिंग 2:30 बजे है और अभी 2 बजे हैं, मेरे को आधा घंटा इधर उधर घूमना पड़ेगा। चलो हम थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। तो एक्सप्लोर क्या ही करना, हम वॉशरूम में आ चुके हैं। देख सकते हो कि ये सब कुछ बंद हो रखा है अभी, क्योंकि अभी फिल्म स्टार्ट होगी 2:30 पे। तो मैं अकेला यहीं बैठा हूँ और फिर अपनी सीट पे जाते हैं हम। 9NNNNM, ये रहा N और सीट नंबर हमारी 10। सो ज़्यादा ऊपर आ गए हम। चलो कोई बात नहीं,
देन वही है अपनी सीट। तो अपन से कुछ नहीं बनने वाला था, इसलिए मैं रिकॉर्डिंग भी ले आया साथ में। अच्छी है, रोमांटिक ड्रामा और थोड़ी बहुत कॉमेडी भी है इसमें। 2 घंटे 45 मिनट की ये फिल्म है, बहुत अच्छी लगी मेरे को, मज़ा आया देखने में। पहले तो मैं थिएटर में अकेला था, उसके बाद काफ़ी लोग आ गए देखने के लिए, इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आएंगे पर आ गए। वो मज़ा आया फिल्म देखने में, मतलब ना पैसा वसूल था, मतलब बीच में रोमांटिक सीन्स, कई में कॉमेडी सीन्स। और इसमें ना एक सीन है, वो एयरपोर्ट वाला सीन, आप ये फिल्म जब भी मतलब देखने जाओगे या कभी ऑनलाइन देखोगे तो वो एयरपोर्ट वाला सीन देख के आपको मज़ा आ जाएगा। वो थोड़ी पुरानी फिल्मों का डायलॉग्स यूज़ किया है इसमें, मतलब ओवरऑल मूवी तो रेटिंग जब देना हो ना तो 7 out of 10 बनती है, मज़ा आ गया। तो अब मेरे बस का टाइमिंग भी होने वाला है, 10 मिनटों में बस आएगी, उसके बाद मैं घर पहुंच जाऊंगा और बस ठीक है। चलो मिलते हैं फिर दोस्तों। प्लीज सर।